बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह की गौमूत्र से कोरोना के इलाज के दावे पर सियासत गर्मा गई है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने साध्वी के दावे को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को खत लिखा है, साथ ही गौमूत्र की शीशी भी कुरियर की है। अपने खत में पीसी शर्मा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से डीआरडीओ आईसीएमआर से गौमूत्र की सत्यता की जाँच करने की मांग की है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा से बात की हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता ने। क्या गौमूत्र से कोरोना संक्रमण का इलाज संभव है, ये सवाल खड़ा किया है पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने, क्योंकि भोपाल से जो सांसद है प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उन्होंने कहा था कि गौमूत्र का अर्क पीने से कोरोना नहीं होता। मैंने अर्क पिया है, मुझे अब तक कोरोना नहीं हुआ है। पीसी शर्मा जी से ही जान लेते हैं। सर, आप ये जो गौमूत्र है केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन जी को भेजने वाले पत्र भी लिखा है आपने, इनके माध्यम से क्या सवाल है? सवाल यह है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी जो भोपाल की सांसद और बीजेपी के सीनियर नेता है, 70 दिन के बाद आई, कहीं सैनिटाइजर बांटते हुए दिखी और उसके बाद उन्होंने एक बयान दिया कि गौमूत्र से कोरोना का इलाज हो सकता है, मैं इसका सेवन करती हूँ इसलिए मुझे कोरोना नहीं हुआ। आज पिछले 15 दिनों के अंदर एक समय में 5,500 लोगों की जान गई। उस समय उनको आना था लोगों की सेवा के लिए, तब आई नहीं, और अब ये कह रही गौमूत्र से इलाज हो सकता है। तो हमारा सवाल हर्षवर्धन जी से यही है कि ये देश धार्मिक आस्थाओं का देश है और गौमाता और गौमूत्र में एक धार्मिक आस्था है। ये ग्रामीण क्षेत्र में जो फैल रहा है कोरोना, ऐसा ना हो कि लोग जो कोरोना प्रोटोकॉल ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन और बाकी इंजेक्शन इसको छोड़ के इस पद्धति पे आगे बढ़ जाएं गौमूत्र लेकर, और अनहोनी नहीं अनहोनियाँ हो जाएं। इसलिए हर्षवर्धन जी और स्वास्थ्य विभाग और मध्य प्रदेश में NHM ये साइंटिफिकली प्रूव करे, ICMR से उसको सब चेक टेस्ट कराए और संदेश दे इस देश की जनता को कि क्या वो वाला जो सिस्टम है पूरा बंद कर देना है। आपने अपने पत्र में लिखा है कि धार्मिक भावनाओं के आधार पर गुमराह करने की कोशिश केंद्र गुमराह और भ्रम पैदा करने की कोशिश की है जिससे लोगों की जान भी जा सकती है। इसलिए साइंटिफिकली अगर प्रूव कर देते हैं हर्षवर्धन जी ICMR WHO गाइडलाइन पे, तो मैं समझता हूँ कि बाकी सब बंद करो, इतने खर्चे करने की जरूरत क्या है, ये गौमूत्र इकट्ठा की जाए और यही लोगों को बांटा जाए। तो जो वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता सरकार फैला रही है, कोवैक्सीन कोविशील्ड की लड़ाई मची, स्पूतनिक भी आ गई, तो क्या जरूरत है? ये मैं कह रहा हूँ ना कि सरकार जो है ये प्रज्ञा ठाकुर जी प्रूव कर रही है कि मोदी जी फेल हो गए और शिवराज जी फेल हो गए, और वैक्सीन इसके सारे ये भी है कि वैक्सीनेशन की भी जरूरत नहीं है। एक समय 4.5 करोड़ वैक्सीन उन्होंने पाकिस्तान भेज दी और वहां आतंकवादियों को लग रही है। आज 18 प्लस का जो युवा है ये वैक्सीन उसको मिल नहीं रही है, 100 से ज्यादा वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। वैक्सीनेशन के अलावा कोरोना से लड़ाई का कोई साधन नहीं है। अमेरिका ने पूरा कर लिया, वह बच्चों को लगने लगी, और यहाँ पर सरकार पूरी तरह से वैक्सीनेशन के मामले में फेल हो गई है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो स्टेटमेंट आते हैं ये सब गुमराह कर रहे हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल, ये वो गौमूत्र है जिसको केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह के लिए भेजा जा रहा है, इसके साथ ही और NHM को भी भेजा जाएगा। साथ ही पत्र भी लिखा है, पत्र के आधार पर पीसी शर्मा यही सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब बीजेपी सांसद को लगता है कि गौमूत्र के सहारे कोरोना संक्रमण का इलाज हो सकता है, तो सरकार फिर क्यों वैक्सीनेशन की बात कर रही है? वैक्सीनेशन की बात को साइड में रखकर सरकार केवल गौमूत्र की ही वैक्सीन सबको लगवाए। कैमरा पर्सन मनीष के साथ वैभव गुप्ता, अनादि TV, भोपाल।